हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज जियो मैग। और जियो मैग नाम से जो है ऐप है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको, आप भी एक जियो यूजर हैं, आपके पास में जियो नंबर है या नहीं भी है, तो मैं आपके, जिनके पास में जियो यूजर हैं या जियो नंबर है, उनको काफी दिनों से नोटिफिकेशन मिल रही होगी कि आपको JBL स्पीकर आप जीत सकते हैं, जीतने का मौका है। और इसके बाद में जो है ऐप आपको जो है जियो मैग यूज करना है, डाउनलोड करना है और उसको रेफर करना है। तो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, जियो मैग नाम से जो ऐप बनाई गई है या बताई जा रही है, वो ये ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगी और इसको आपको इंस्टॉल करना है। 21 MB की ये जियो मैग नाम से यहाँ पे ऐप बताई गई है। और इसकी जो ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा 800 से ज्यादा, वैसे पहले तो जियो मैग जो है, हम इसको डिफाइन करते हैं, मैग से जो नाम लिया है, मैगजीन से नाम लिया है और एस लगाया है, मतलब इसमें 800 प्लस मैगजीन्स को जो कवर किया गया है, जिसमें कि बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, सब टाइप की लैंग्वेजेस में आपको जो है, अगर आप एक मैगजीन रीडर हैं या नहीं भी हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और नॉलेज के लिए ये इसको आप यूज कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। तो मैगजीन रीडर्स के लिए बहुत ही अच्छी ऐप होगी ये। और इसमें जो है, मैंने जैसा बताया था, 800 से ऊपर जो है मैगजीन आपको अवेलेबल कराई गई है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद में जो है इसको ओपन कर लीजिए। तो जियो मैग जो है डिजिटल मैगजीन के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे दिया हुआ है और रिलायंस जियो डिजिटल सर्विस ने इसको बनाया है। तो दोस्तों, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो यही हैं कि ये आपको एक तो बहुत सारे अलग अलग उसमें अवेलेबल हो जाता है, आपको अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल हो जाता है। और इसमें कुछ जो है मैगजीन्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। और वो मैगजीन्स जो है आपको वैसे तो मार्केट में खरीदनी पड़ती है, लेकिन वो आपको यहाँ पे फ्रीली आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इनके कई स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं, मैगजीन एट योर फिंगर टिप, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग मैगजीन्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और जियो मैग नाम का ये ऐप है, इसको हम ओपन करते हैं और ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। मेरे हिसाब से इसमें फ़ोन कॉल्स को देने की ज़रूरत नहीं है और फ़ोटो एक्सेस मीडिया करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो फ़ोन परमिशन इज़ रिक्वायर्ड टू जियो मैग टू फंक्शन प्रॉपरली, प्लीज़ इनेबल थ्रू सेटिंग फ़ोन परमिशंस। तो परमिशंस रिक्वायर्ड मांग रहा है, तो हमें यहाँ पे देना होगा कुछ, मुझे लगता है तो ऑटो स्टार्ट की परमिशन यहाँ पे मांग रहा है और कौन सी परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन की परमिशन हो सकता है, प्रायोरिटी, बहुत सारी परमिशंस आजकल जो है ऐप्स मांगते रहते हैं, एक एक जाके इनको नोटिफिकेशन आपको अलाउ करना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कई परमिशंस तो दे दी हैं, अब हम देखते हैं ओपन होता है या नहीं होता है। और चलिए कुछ हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं परमिशंस को, वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में जो है हमारा ऐप यहाँ पे जो है लोड ले रहा है, और लोड लेने के बाद में जियो मैग टू असेस द डिवाइस लोकेशन, ये हमने डिनाई कर दिया, आप देख सकते हैं, इसको मैं नेवर आस्क कर लेता हूँ। और SMS, चलिए इसको अलाउ कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसमें पहले ही आपसे पूछा जा रहा है, विल यू एबल टू रीड मैगजीन ओनली इन अ लैंग्वेज, अपनी अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप इंग्लिश में अगर रीड करना चाहते हैं या हिंदी में रीड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं चलिए हिंदी में ले लेता हूँ, और इसमें, और इसके अलावा भी आप अगर कोई अदर लैंग्वेज आपको आती हैं, तो उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में सेव कर दीजिए। इसके बाद में हेलो यूज़र, वेलकम टू जियो मैग, लेट्स बिगिन टू रीड स्मार्टली, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं, आपको एक एक चीज़ें सिखा रहा है। स्वाइप टू ब्राउजर थ्रू कैटेगरी, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज स्वाइप कर सकते हैं। और इसके बाद में टैप टू आर्टिकल टू रीड, एक एक आर्टिकल को आपको रीड करना है अगर, तो उसको आपको उस पर क्लिक करना है जस्ट। तो ये ऊपर कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं। और इसमें से आपका जो भी जो है आपकी आपकी जो, और यहाँ पर गेट नोटिफाई, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, सेट प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आई एम अ टेक्नोलॉजी लवर, तो मैं तो टेक्नोलॉजी पे ही जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे मैगजीन्स भी ऑब्वियसली एक मैगजीन्स ही हैं, और इनमें से आप किसी को भी क्लिक करके जो है खोल के पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद में यहाँ पे एक जैसे मैं आपको एक ऑप्शन एग्जांपल के लिए समझाने के लिए दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में वो मैगजीन ओपन हो रही है और लेफ्ट और राइट आप कर सकते हैं आर्टिकल रीड करने के लिए, और रीड द मैगजीन फॉर मोर आर्टिकल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो इसको आप जो ऊपर नीचे करके यहाँ से पूरा पढ़ लीजिए और राइट पर क्लिक कर देंगे तो दूसरा आर्टिकल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है काफ़ी अच्छी ऐप है, और जो आर्टिकल रीड करते रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी ऐप है। और उसके बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ आर्टिकल है, और उसके बाद में मैगज़ीन का ऑप्शन दिया गया है, और इसके बाद में माय लाइब्रेरी का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पे आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो मैगज़ीन का ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे समाचार वगैरह वगैरह, मैन फिटनेस, दिस वीक, क्रिकेट बुन टुडे वगैरह वगैरह टाइप से आपको बहुत सारे यहाँ से आप स्वैप करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग मैगजीन्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से नीचे ऊपर सारी जगह आप स्वैप कर सकते हैं। और कुछ ऊपर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, गैजेट्स भी यहाँ पर है, गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, जनरल इंटरेस्ट, इस टाइप से अलग अलग मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं और उनका नॉलेज ले सकते हैं और उसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको यूज़ करिए। और यहाँ पे अगर सेटिंग्स की बात करें, नोटिफिकेशन यूजेस सेटिंग, सेटिंग में आप जाके अपने प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं जैसे कि अभी इसमें बताया गया था। इसको यूज़ करिए दोस्तों, अच्छी ऐप है मेरे हिसाब से। इसको अगर परेशानी हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और बने रहिए टेक बिला में, स्टे रॉक।